हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ अनिमा पाल। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्टॉप बीइंग लेजी, आलस करना बंद करें, आलसी मत बनो, क्योंकि आलस इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। दोस्तों, कई बार हमारे अंदर वो गट्स होते हैं, वो एबिलिटी होती है, वो क्षमता होती है कि हम उस काम को कर हम अपने एग्जाम में पास हो सकते हैं, हम अपने काम को बहुत ही परफेक्टली कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। क्यों? आलस की वजह से। आलस किस बात का? अभी नहीं, थोड़ी देर से कर लेंगे, थोड़ी देर से नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इस तरह का आलस। आइए इसी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं हम आप लोगों को। दोस्तों, एक बार एक लड़का गुरुकुल में पढ़ रहा होता है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, और गुरुकुल में उसके जो गुरु होते हैं वो उसको उस तरह से शिक्षा देते हैं, उस तरह से ट्रीट करते हैं कि ये भविष्य में कुछ करे और कुछ बने इस तरह से। लेकिन वो आलस की वजह से अपनी पढ़ाई को टाइम पे नहीं करना, अपने काम को टाइम पे नहीं पूरा करना, कुछ ऐसा उसका शेड्यूल चल रहा होता है। गुरुजी उसके बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन उनके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आता है। वो सोचते हैं कि इस आइडिया को हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, हो सकता है इसका आलस दूर हो जाए। तो दोस्तों, वो क्या करते हैं, एक कहीं से काला पत्थर उठा के लाते हैं और वो काला पत्थर उसको दे देते हैं और बोलते हैं, ये जादुई पत्थर है, इसको हम तुम्हें 2 दिन के लिए दे रहे हैं। इस 2 दिन में तुम इससे जो भी मांगोगे वो चीज़ तुम्हें मिलेगी, और जो भी तुम लोहे की चीज़ इसको टच कराओगे वो सोने की हो जाएगी। तो लेकिन तुम्हारे पास टाइम सिर्फ 2 दिन का है, कल शाम तक का टाइम है आज का और कल शाम तक का टाइम है, कल शाम को हम वापस तुमसे ले लेंगे ये पत्थर। वो उसको पत्थर दे करके चले जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि वो जो शिष्य होता है उस पत्थर को वो रख लेता है अपने पास, और एक दिन वो इस सोच में गुजार देता है कि हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारे पास सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते रहे और उसने एक दिन सोच करके गुजार दिया। दूसरा दिन होता है और सोचता है कि पूरा दिन तो हमारे पास पड़ा हुआ है अभी, और मार्केट से जा करके हम कोई भी लोहे की चीज़ ले आएंगे और उससे टच कराएंगे तो हमारे पास सोना ही सोना हो जाएगा, भारी भारी चीज़ें हम मार्केट से खरीद लाएंगे जा करके। तो दोस्तों, वो पूरा दिन सोच करके आलस करता रहता है। फिर क्या होता है कि आधा दिन निकल जाता है उसका कि शाम तक चले जाएंगे। आधे दिन के बाद में वो डेली शेड्यूल जो उसका होता है, खाना पीना सोना आराम करना, इस तरह से वो करता है, और करते करते उसको शाम हो जाती है। तो जब शाम हो जाती है तो वो शाम को जाता है बाजार की तरफ, और भागता हुआ, क्योंकि सूर्यास्त होने वाला होता है और उसके पास टाइम नहीं होता है। बस जैसे ही वो भागता है वैसे ही रास्ते में उसको गुरुजी मिल जाते हैं और बोलते हैं कि हमें हमारा जादुई पत्थर वापस कर दो। लेकिन वो बोलता है कि उनसे मन्नतें करने लग जाता है, उनसे विनती करने लग जाता है कि हमें 1 दिन के लिए और दे दीजिए। तभी तो दोस्तों कहा गया है, कल करे सो आज, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी बहुरी करे गो कब। दोस्तों, आलस की वजह से सब कुछ हाथ से चला गया, सब कुछ था उसके उसके पास में, लेकिन दोस्तों आलस की वजह से उसने अपने हाथ से एक बहुत बड़ा मौका गवा दिया। तो हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही गलतियां करते हैं, आलस की वजह से हमारे हाथ आई हुई अपॉर्चुनिटी चली जाती है। बहुत बड़े बड़े हमें मौके मिलते हैं कुछ करने के, कुछ कर दिखाने के, लेकिन हम आलस के चलते उनको पकड़ नहीं पाते हैं और वो हम खो देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरा वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।